पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने 2021 में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हो रही है। साथ ही एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कह डाला था। और इतना ही नहीं, इसके कुछ दिन बाद यह भी कहा था कि इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन है, लेकिन लोग बेवजह सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद रामदेव के इस बयान की वजह से गुस्से में आए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया है और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। आरोप लगाया कि विज्ञापन में यह भी दिखाया गया है कि पतंजलि प्रोडक्ट कोविड वायरस समेत डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, जिसकी वजह से पतंजलि पर 2 कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगा। पहला ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का मतलब है कि किसी भी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह से ठीक करने का दावा करना गलत और भ्रामक है, और अगर ऐसा करते हैं तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है और वो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो यह भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा।